सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे अडानी पावर को लेकर। आप लोग देखो भी अडानी पावर है या फिर अडानी ग्रुप के अदर स्टॉक्स है उनमें है, हमें जो भी करेक्शन देखने को मिली है, ठीक है। और अडानी पावर के ऊपर तो भी कुछ एक और बड़ी खबरें निकल कर आई है सामने, तकड़ा झटका लगा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ खबरों के चलते अडानी ग्रुप बिल्कुल चर्चा में रहता है, तो इन्हीं सब को देखते हुए आप लोग देखो भी हमें प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपनी की तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया गया है, जो मामले US के अंदर जांच वगैरह के आ रहे हैं सामने, उनको जो अभी अडानी ग्रुप ने फिर से खारिज किया है कि हमें अब तक ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है US डिपार्टमेंट से, ठीक है, कि जो भी आप लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, जो भी खबरें आ रही है सामने वगैरह, उन सबसे उन सब के रिगार्डिंग ऐसा कोई भी हमें जो अभी अब तक US की गवर्नमेंट से या फिर US डिपार्टमेंट से कोई भी ऐसा जो अभी हमें नोटिस नहीं मिला है, वो अडानी ग्रुप की तरफ से अपडेट जारी हो चुका है भाई। अब हम डिस्कस करेंगे भी दूसरी क्या खबर है जिसके कारण आप लोग अडानी ग्रुप का जो ये स्टॉक अडानी पावर है ये हमें फिर से जो अभी फोकस में दिखाई देगा। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी सुप्रीम कोर्ट से अडानी की इस कंपनी को जो है तगड़ा झटका लगा, लगभग 1400 करोड़ का जो है मामला सामने आया है भाई, ठीक है। और ये खबर आप लोग देखोगे भी 18 तारीख की आज की है। और यहाँ पर देखो गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर को सुप्रीम कोर्ट से 1300 करोड़ के मामले में फटकार लगी है। और कोर्ट ने राजस्थान डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों यानी डिस्कॉम से लगभग 1300 करोड़ रुपये ज़्यादा के आप लोग देखोगे लेट पेमेंट सरचार्ज मामले में विचार करने से मना कर दिया। और इसके अलावा कंपनी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है भाई, ठीक है। 1300 करोड़ तो है ही है, इसके अलावा 50,000 रुपए का और जुर्माना लगा है भाई। तो ये खबरें सामने आई है अभी, और यहां पर वीडियो को पॉज करके आप लोग डिटेल में पढ़ भी लेना, ठीक है। भारत के दिग्गज कारोबार जो गौतम अडानी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है, ठीक है। तो ये खबर है जो कि नेगेटिव न्यूज़ अभी अडानी पावर के लिए। तो चलिए अब आपको दिखाते भी जो एक और बड़ी खबर थी जिसकी वजह से अडानी ग्रुप आज बिल्कुल चर्चा में रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी ये वो खबर है जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट बनी है, ठीक है। अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में बिकवाली, अमेरिका में जांच की खबर का जो ना भी असर हमें देखने को मिला है, ठीक है। ब्लूमबर्ग ने एक अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी सरकार ने रिश्वतखोरी के संदेह में अडानी ग्रुप की जो अपनी जाँच का दायरा बढ़ा दिया, और अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अडानी ग्रुप की कंपनियां और उसके जो चेयरमैन हैं अरबपति गौतम अडानी जी कहीं रिश्वतखोरी के मामले में तो शामिल नहीं है। तो देखो भाई अब तक जांच पड़ताल चल रही है, ये खबरें आई हैं सामने, लेकिन अडानी ग्रुप ने क्या बोला, हमें अब तक ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला अभी इसके रिगार्डिंग, ठीक है। वो अडानी ग्रुप की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया भाई, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल दिया था, आप लोग जाकर देख भी सकते हो, या फिर आप लोग जो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन है उसके उस वेबसाइट या फिर NSE BSE की एक्सचेंजेस की साइट्स के ऊपर भी जाकर देख सकते हो, नोटिस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये खबर है भाई, इसकी वजह से अडानी ग्रुप आज हमें फोकस में दिखाई दिया है। और जितने भी स्टॉक है सभी के अंदर हमें जो ना भी आज के दिन बिकवाली का माहौल बनते हुए नजर आए। सबसे ज़्यादा जो टूटे हैं आज के दिन अडानी टोटल गैस और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा फिसले हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा और भी शेयरों में गिरावट हमें देखने को मिली है। तो ये खबरें सामने आई हैं अभी, 1300 करोड़ का एक बड़ा जो ना भी झटका भी लगा है। तो इन सबको देखते हुए अडानी पावर के आगे के कैसे माहौल बन सकते, चलिए देखते हैं चार्ट पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी वन डे टाइम फ्रेम चार्ट्स के ऊपर आपको जो देखने को मिला, ऊपर में रेजिस्टेंस क्या बना हुआ है 578 रुपये का, ये लेवल ब्रेक होकर सस्टेन कर गया तो स्टॉक में काफ़ी अच्छे मोमेंटम फिर से आ सकते हैं। ऊपर में 650 रुपये से 700 रुपये तक के मूव बनने की संभावना है। और आगे जो गर्मियों का मौसम है वहाँ पर पावर की जो डिमांड हाई रहती है, उन सब के चलते अडानी पावर, टाटा पावर, जो भी पावर सेक्टर से बिलोंग करती कंपनियाँ हैं उनमें काफ़ी पॉजिटिव जो है मोमेंटम बनने की संभावना है भाई। तो यहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी टाइम से क्या कर रहा है, अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर देख सकते हो कंसोलिडेट कर, नीचे में सपोर्ट क्या बना हुआ है, नीचे में दो सपोर्ट है, पहला रहेगा अभी 500 रुपए का, दूसरा रहेगा 450, ये दो सपोर्ट, और यहीं पर जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट कर रहा है। एक स्टॉक में अप ट्रेंड भी बना हुआ था, ठीक है। यहां पर आप लोग देखोगे स्टॉक भी ट्रेंड के ऊपर में अभी के टाइम है, लेकिन ट्रेंड लाइन को नीचे में काटे तो 450 का सपोर्ट है भाई नीचे में अभी के टाइम। और जो भी भाई अगर ये स्टॉक 450 के आसपास आता है, फिर 450 के नीचे में निकलता है, तो उस कंडीशन में SIP करने के अच्छे दिन या फिर अच्छे माहौल बन सकते हैं, और ये स्टॉक फिर से एक अच्छी खासी रिकवरी देगा। और ये भी US वाले जो अपडेट है, जो खबर आई है, वो अगर हकीकत हुई तो थोड़ा बहुत फॉल बन सकता है अडानी ग्रुप के शेयरों में, उसको लेकर पैनिक नहीं होना है। इनको चलना लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए चलिए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।